हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुकिंग इज सो इजी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेश मिल्क से पनीर कैसे बनाया जाए। पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने मात्र 2 चम्मच दही का ही इस्तेमाल किया है और आप देखिए हमारा पनीर कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी घर पर ऐसा ही पनीर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर बनाने की हमारी रेसिपी। पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 1 लीटर दूध। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये मैंने दही ली है। जब हमारे दूध में उफान आ जाए तो हम इसमें 1 चम्मच दही ऐड करके इसको लगातार स्टिर करेंगे। लगातार चलाते हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करें। जब हमारे दूध में उबाल आ जाए तो आप गैस को लो कर दें। आप देख सकते हैं हमारे दूध में थोड़े थोड़े पनीर के चंक्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच दही और ऐड कर देंगे। लगातार चलाते हुए इसको फिर से गर्म करें। तकरीबन 5 मिनट बाद हमारा पनीर दूध से एकदम अलग हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हमें पनीर को छानना है। पनीर को छानने के लिए मैंने एक बड़े भगोने पर एक बड़ी छलनी ली है। उसके ऊपर एक पतला कपड़ा रखा है। आप चाहे तो सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें पनीर को छान लेंगे। अब हम इसमें चिल्ड वाटर डालकर इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए हमारा पनीर एकदम चिल्ड हो गया है। अब हम इसको कपड़े को उठाकर पनीर का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निचोड़ देंगे। अपने दोनों हाथों से अच्छे से दबाकर हमें इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। ये देखिए हमारा पनीर रेडी है। अब हम इसे नीचे एक बर्तन लगाकर एक छलनी के ऊपर रख देंगे ताकि रात भर जितना भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी जो बच गया है वो भी निकल जाए। रात भर इसको किसी भारी चीज से दबाकर रखें। ये देखिए हमारा पनीर तैयार है। चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।